So in the last class you see about what? The formation of differential equations. Differential equations kaisa form karna hai. Karo diye to usme arbitrary constants are. Kitne arbitrary constants rehte utna times apan derivative karke wo arbitrary constants ko eliminate karna hai. Okay na? Now we comes to next problems we have. Verify the given expression is a solution of given differential equation. बोले तो ऊपर क्या देता है, कर्व भी दे रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रहा है. अपन क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वो होता क्या. इज इट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है या नहीं, वो चेक करना है सर. ओके, सो नाउ सी हियर, वाई इज इक्वल टू, कर्व विल बी गिवन लाइक दिस, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस सी. ये कर्व है और साथ में क्या दे रहा है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है. वन माइनस एक्स स्क्वेर डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर. ओके, डी स्क्वेर वाई बाई डी एक्स स्क्वेर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू. मीन्स ये कर्व जो लिए अपन, है ना, इससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो ये आना चाहिए. आए तो वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड. ओके ना, सो चलो ये इसको क्या करते हैं, आपको पता है हाउ मेनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ओनली सी. डायरेक्ट डेरिवेटिव करे तो अपने आप निकल जाता है, है ना. सो डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, वन टाइम डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, बट टू द सेकेंड ऑर्डर दिया ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू. सेकेंड ऑर्डर दिया है. आप सोचते होंगे सर वहाँ ओनली वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो वन टाइम डेरिवेटिव करेंगे अपन, है ना. तो ये क्या बोल रहा है, ये इसका सॉल्यूशन होता या नहीं चेक करना है. बोले तो आप इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू पुट करो, और आप इसमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पुट करके चेक करने का. ओके, देखो एक बार डी वाई बाई डी एक्स तो निकालो पहले. क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, एक्स प्लस में जो है उसका इनर डेरिवेटिव वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज नेक्स्ट, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. चलो ये रूट ओवर डिनोमिनेटर में जो है वो इधर लेके आएंगे अपन, तो कितना हो रहा है, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स. बट एक्चुअली ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, वो तो आपको पता है, बट उन्हें क्या बोल रहा है, इसको और एक बार आप डिफरेंशिएट करके ये फॉर्म ले आ सकते हैं क्या, वेरीफाई करो बोल रहा है. सेकेंड ऑर्डर होना है ना अपने को, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होना है, तो और एक बार डेरिवेटिव करो, ऊपर का जो फॉर्म है वो लेके आना है. ओके, तो उसके लिए what we have to do, now see here, this is your second equation, this is, अब इसको और एक बार differentiate करेंगे अपन, कैसा करते हैं, u into v, है ना, तो first u same as it is, 1 minus x square, second function dy by dx का derivative, okay, first function root over 1 minus x square का derivative क्या होता है, 1 by 2 into root over 1 minus x square, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, एंड हियर सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स जो है इट इज सेम एज इट इज. नाउ 2 इंटू उधर वो साइड में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. ओके, तो अभी क्या करने का, सिंप्लीफाई किया. नाउ दोनों साइड 2 2 कैंसिल, टेकिंग एलसीएम रूट ओवर इंटू रूट ओवर 1 minus x square d square y by dx square. Okay, अंदर minus x है, minus x into dy by dx is equal to उधर 2. क्या कर रहे हैं अपन, नीचे root over 1 minus x square LCM,
Either we root over 1 minus x square. Both are what? Get cancelled. And observe here, this is our given differential equation. Therefore, it is, what do you have to say? Verified. बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? No, also same problem. Yes, बोले तो अच्छा है या नहीं? ब्लर हो रहा क्या? फिर भी ओके सो कम्स टू नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव अनदर वन सेम मॉडल व्हाट वी हैव गिवन एक्सप्रेशन वी हैव टू गिवन वन एक्सप्रेशन क्या करना है अपने को व्हाट यू हैव टू डू वी हैव टू वेरीफाई y is equal to e raised to minus x. y is equal to e raised to minus x. Okay. And what is given? Sorry. y is equal to e raised to minus x plus ax plus b. This is curve. Ye curve de raha hai. Aur differential equation kya de raha hai? E raised to x into second order d square y by dx square second order is equal to 1. Okay, तो क्या करेंगे अपन इसको ये first equation है इसको derivative करते हुए second order तक जाना है Actually, form the differential equation बोले तो क्या करते हैं one arbitrary constant eliminate करके ये first equation है ना इधर का जो अपन लिए थे ना ये बस यहाँ तक रुक जाते हैं अपन but इधर especially क्या बोल रहा है verify बोल के दे रहा है तो अपन इसके लिए अपन second derivative किए नहीं तो नहीं करते सर अपन यहाँ पर रुक जाते कल तक जो किए ना अपन वो यहाँ तक रुक जाते अपन है ना तो इधर क्या बोल रहा है वेरीफाई करो ये ऐसा ये फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं क्या तो हो रहा है सेटिस्फाई करता क्या ये कर्व इसको सेटिस्फाई करता क्या तो कर रहा है वो ऐसा इधर भी वही दिखाने का है तो उसके लिए dy / dx डिफरेंशिएटिंग e raised to minus x का डेरिवेटिव minus e power minus x plus a into derivative of x is what 1 एंड plus b का डेरिवेटिव 0 दिस इज द सेकंड इक्वेशन आफ्टर डेरिवेटिव आपको पता है कि और एक बार सेकेंड ऑर्डर है तो और एक बार भी डेरिवेटिव करना है इधर तो सेकेंड ऑर्डर भी कर रहे हैं सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
ओके माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स इनर डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस प्लस ए का डेरिवेटिव जीरो. नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस होता है माइनस ऑफ माइनस प्लस हो रहा है e पावर माइनस एक्स को वन बाई ई पावर एक्स ले सकते हैं. सो व्हाट आर गेटिंग एट लास्ट ई रेस टू एक्स इन टू सेकेंड ऑर्डर मीन्स वेरीफाइड. आ गए ना अपना जो डिफरेंशिएशन उन्हें जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है वेल दैट इज वी गॉट इट इसी देर. सो सिमिलरली कोई भी करो दिया है आपको उसको वन टाइम टू टाइम इधर इधर ही देखते हुए इधर सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर तक थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव करते लेने का. सो दिस इज वेरीफाई. सो नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी गिवन. नाउ वी हैव टू सॉल्व व्हाट वी हैव. वी हैव टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व. So in this, especially before going to solution of differential equation, we know about the first order, first degree differential equation. First order, first degree means order, you know, first order means one time derivative, dy by dx. फर्स्ट डिग्री उसका पावर भी कितना होता है वन होता है. बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा रहता है dy by dx is equal to ओके ना सम फंक्शन इन x एंड y और सम फंक्शन इन x एंड y ये फॉर्म में रहे तो नाउ दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. बोले तो इसमें खाली dy by dx दिखता है आपको ओनली dy by dx will be there. हो ना उसका ऑर्डर पावर भी कितना होता है ओनली वन ही रहता है. तो ऐसा फॉर्म ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस ओनली देयर इन आवर सिलेबस. अपना जो अभी सॉल्यूशन मींस सॉल्व करने का रहता है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस को तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में रहेगा. तो अभी इसको कैसा सॉल्व करना है वन बाय वन. सो द फर्स्ट मेथड इज वी हैव द फर्स्ट मेथड इज अ वेरिएबल सेपरेबल method variable separable method. So इसमें वो जो definition जो दिया मैं method जो दिया मैं उसमें ही आपको दिख रहा है क्या बोल के variable separable method बोल के. okay तो क्या करना है इधर here variables we are separating. कितने variables रहते हैं सर x variable y variable. तो x variable you have to take in dx side and y variable we have to separate with the dy side. ओके सेपरेट क्या करना पड़ेगा आपको सेपरेट करना पड़ेगा. मींस सब प्रॉब्लम सेपरेट होता है क्या जो होता है उसके लिए बोल रहे हैं अपन. फर्स्ट ये मेथड अप्लाई करके चेक करने का वेरिएबल सेपरेट हो रहा क्या x टर्म्स dx साइड जा रहा क्या y टर्म्स dy साइड जा रहा क्या वो देखना है. सेपरेट x comma y terms okay with respect to dx dy side and after that what you have to do you know integrate it. बाद में क्या करने का उसको integrate it then what it gives then it gives solution. किसमें देता है वो when we are integrating then it gives a general solution. ऑलरेडी सॉल्यूशंस का टाइप अपन देखे थे दो टाइप्स रहता है एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन बोले तो क्या है उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स रहता है ना वो जनरल सॉल्यूशन है जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट निकाल देते हैं अपन उसका वैल्यूज तो दैट इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो नाउ दिस वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये कैसा होता है नाउ सी हियर. सपोज dy by dx is equal to अभी सर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है सर उसको सॉल्व करते जाना है अपने. ओके वो भी कैसा रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा और फर्स्ट डिग्री ही रहेगा सेकेंड ऑर्डर नहीं मिलेगा और dy by dx का स्क्वेयरिंग नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही मिलेगा पूरा टोटल चैप्टर. ओके तो dy by dx is equal to क्या ले रहा मैं 1 plus y square upon 1 plus x square.
यू सी देयर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर. सो दिस इज योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको. ओके तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, वी हैव फर्स्ट इसको ये मेथड अप्लाई करके देखेंगे अपन. ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अंदर आता क्या क्या है वो dy sin y टर्म्स आ रहा ना इधर. तो y टर्म्स इधर लिखे हैं तो 1 by 1 plus y square dy and dx उधर लिखे जाओ. What is the remaining 1 by 1 plus x square dx हो रहा है ना. dx तो डिनोमिनेटर में है वो साइड में लेके जा रहे और 1 plus y square इधर लेके जा रहे. किसके लिए अपने को we have to next separating over then you have to integrate. Then you know integration of 1 by 1 plus x square या 1 by 1 plus y square किसका है formula tan inverse y. Next 1 by 1 plus x square क्या होता है tan inverse x और ये क्या है indefinite integration. तो we are taking always what constant that is our arbitrary constant. इसलिए arbitrary constant में मिलेगा आपको plus some constant c बोल के ले सकते हैं. और एक थिंग इधर क्या है ये tan इनवर्स में है ये भी tan इनवर्स में है तो आपको होना तो कांस्टेंट भी आप tan इनवर्स में ले सकते हैं. ओके व्हिच इज व्हाट इज दिस व्हिच सॉल्यूशन इट इज जनरल सॉल्यूशन. किसके लिए c कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट में है ना तो इसको क्या बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. सपोज यू सी देयर हियर y minus x into dy by dx is equal to 0. Solve the differential equation. Question क्या रहता है? Solve. और कुछ नहीं बोलता उन्हें. आप क्या बोल के method, variable, separable use करो बोल के नहीं देता उन्हें. अपन check करना है कि वो कौन सा method में जाता है. Okay? तो first order देता है ना तो dy by dx को कभी भी एक side में लेके जाने का. तो y is equal to x into dy by dx. dy किधर है वो साइड में है तो dy के साइड y जाना पड़ेगा dx इधर आना है तो dx इधर लेके आओ dx और dy उधर है सर. अभी y x and y इंटरचेंज करो तो y उधर dy के नीचे अपॉन y एंड x इधर मल्टीपल हो रहा है तो इधर डिवाइड. नाउ बोथ साइड्स व्हाट यू आर डू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x 1 upon y log y and constant भी कह लेंगे अपन log c. okay ना तो this is your general solution log x is equal to log y plus log c. suppose आप इसको simplify करना है तो कर सकते हैं. आप कैसा करते हैं log x इधर ले रहा हूँ सर मैं what I'm taking here log x is equal to here log c into log y कितना होता है log m plus log n. So x is equal to cy. This is your general solution. Check out. So this first method it is variable separable method. पहले कोई भी differential equation problem मिल गया आपने पहले ये method ही check करते हैं अपन. फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल हो रहा क्या नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वी सी अबाउट द नेक्स्ट मेथड्स पे जाएंगे अपन. तो पहले अपन अभी क्या क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे पहले. सेम हेडिंग तो यही रहेगा सर. क्या बोल के सॉल्व सॉल्व बोले तो अपन मेथड यूज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. सो सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई पूरा इंटीग्रेशन फॉर्मूलास फिर अगेन रिपीट होता है इधर भी. सो सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स dy is equal to 0. This is
सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है कि वेरिएबल सेपरेबल, वाई वन साइड एक्स वन साइड सेपरेट होना चाहिए, तो वाई टर्म्स इधर रखेंगे मैक्सिमम, डी वाई टर्म आई एम सेइंग सेक्स स्क्वायर वाई टैन एक्स, क्योंकि कर्व कैसा रहता है, वाई इज इक्वल टू बोल के रहता है ना, इसलिए डी वाई इधर रखेंगे, रिमाइंडिंग उधर लेके जाओ डी एक्स को, ये माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट करने का है, तो डी वाई इधर है तो वाई टर्म्स पूरे इधर लेके आओ, डी एक्स इधर है तो एक्स टर्म्स पूरा उधर लेके जाओ, टू टेक दैट साइड। सो वाई टर्म्स इधर ऑलरेडी सेक्स स्क्वायर वाई है सर, तो उधर से टैन वाई आएगा इधर डी वाई माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इधर है तो इधर से टैन एक्स कम्स टू डिनोमिनेटर डी एक्स। Now both sides what you are doing here, variable separable हो गया ना, तो direct integration करने का method अपना वही है ना, this is, फिर again अपना formula, कौन सा method है ये, कौन सा form है ये, नीचे f, उसका derivative, f dash, मालूम है ना formula, नीचे tan, उसका derivative f dash by f of x, क्या होता है, log of denominator, log of f of x, that is, log tan y. is equal to minus इधर भी नीचे tan x ऊपर उसका derivative f dash delta of tan x square तो log of f of x that is tan x and whatever the constant is दोनों भी log में है तो we are taking constant also in a log you see there log c okay ना होना तो और क्या कर सकते हैं इधर ये इधर लिख के आओ सिंप्लीफाई करना पड़ता है सर अब log tan y multiplied by tan x sorry log tan y माइनस इधर आए तो प्लस log tan x is equal to how much log c okay then log m plus log n क्या लेंगे अपन log m into n that is tan x into tan y is equal to उधर भी log c so what is the general solution is tan x into tan y log get cancelled c तो अभी से general solution को short में ऐसा लिखेंगे क्या g s So this is a simple method sir for solving differential equation. Okay, cos x cos y dy. Cos x cos y dy minus sin x sin y dx. Is equal to zero. Okay, now you take one side. So cos x into cos y dy is equal to that side sin x into sin y dx. है ना? क्या करते हैं? dy one side, dx one side. बाद में adjustment करेंगे. Y terms this side. dy इधर है ना तो y terms इधर इधर क्या क्या है सर cos y उधर से क्या आता है sin y dy उधर sin x नीचे क्या होगा cos x dx है ना तो here cos by sin that is cot y dy उधर sin by cos tan x dx Now both sides what you are doing integration. Idea kya? What about integration of cot x? Cot ka integration kya hota hai? Upar dikh raha hai aapko. Niche f upar uska derivative. F derivative of sine cos. Hota hai na? F dash by f of x model hai. Kya karte hai isko? Log of denominator. That is
साइन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स, लॉग सेक एक्स, टैन का इंटीग्रेशन लॉग सेक, एंड कांस्टेंट भी कैसे लेते हैं अपन, लॉग सी बोल के ही लेना है, लॉग में ना दोनों भी पूरा लॉग होना चाहिए सर, ये भी लॉग और ये भी लॉग, एवरी नेक्स्ट टर्म भी लॉग रहे तो अपन लॉग बोल के कांस्टेंट को ले सकते हैं। ओके सो हियर लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ log m plus log n, log sec x into c, our both sides get cancelled, so sin y is equal to sec x into c, see there, that is your general solution.